हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने मटेरियल कंट्रोल क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बताया था। अब हम बात करेंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में कि उसको करने से क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पर आकर के इस तरीके से रेड कलर का बटन आपको दिखेगा, इसको सब्सक्राइब करना है और ये जो बेल आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके ऑल में आपको क्लिक करना है ताकि आपको हर एक तरह की नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो ठीक तरीके से कर पाए, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आप चाहे तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, आप हमारे चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ बीकॉम में जाने के बाद एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करने के बाद आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, जैसा कि आप ट्यूशन करते हैं वैसा ही आपको ट्यूशन प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारी तरफ से। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको बहुत ही लो कॉस्ट में एक तरीके से नोट्स मिलेंगे जिसको पढ़ करके आप एग्जाम में आसानी से 70-80% मार्क्स ला सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको 24/7 मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ऑन डिमांड लेक्चर्स। आपको सपोज कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो उसके ऊपर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको अगर व्हाट्सएप यू नो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली इन केस ऑफ नीड, है ना। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे आपको यू नो ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी इन सब के अंदर में, जिनको देख करके पढ़ करके सुन करके आपको अच्छे मार्क्स आप एग्जामिनेशन में ला पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं। सो इट इंश्योर्स अनरिस्ट्रिक्टेड एंड कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स एंड मे बी ग्रेटफुल एंड ग्रेटली हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन डिलेज, है ना। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है मटेरियल कंट्रोल का वो ये होता है कि चूंकि आप ध्यान दे रहे होते हो कि आपको प्रोडक्ट की आवश्यकता, आपको मटेरियल की आवश्यकता कब है नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो, आप एक ऐसा चैनल बनाते हो कि आपका जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है वो तुरंत तुरंत पूरा होता रहे, जब भी आपको जरूरत पड़े आपका प्रोडक्ट जो है आप तक पहुंच जाए। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप इंश्योर करते हो कि जो भी प्रोडक्ट का सप्लाई है वो अनरिस्ट्रिक्टेड और कॉन्टिन्यूस आपके फैक्ट्री में होता रहे ताकि किसी भी तरह का प्रोडक्शन डिले ना हो। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, इट मिनिमाइजेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ मटेरियल, है ना। तो जब आपको पता रहेगा कि इतने ही स्टॉक की आवश्यकता मुझे इस दिन में पड़ रही है, 10 दिनों में, फिर अगले दिनों में फिर मुझे इतने ही स्टॉक की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप ओवर स्टॉकिंग नहीं करोगे, आप अपना ज्यादा कैपिटल जो है प्रोडक्ट को मटेरियल को परचेस करने में नहीं लगाओगे, है ना। तो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे होते हो कि आपको कितनी मटेरियल की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है, इट कंसिडरेबली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड इशूइंग ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है, अब आप अगर आप ज्यादा ओवर स्टॉकिंग नहीं करोगे तो आपको ज्यादा सामान रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सामान रखने की जरूरत नहीं है तो जो स्टोरेज कॉस्ट होगा उसमें भी रिडक्शन आएगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे ऐसा करके आप अपने स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, साथ ही साथ जो भी कॉस्ट इश्यू करने में होता है मटेरियल को उसमें भी आपकी बचत बहुत ज्यादा हो सकती है, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है, इट एलिमिनेट्स वेस्टेज एंड लॉस ऑफ मटेरियल अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ स्पॉइलेज, पिल्फरेज, थेफ्ट ईटीसी, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से आप अगर मटेरियल कंट्रोल करोगे तो सबसे बड़ा फायदा जो यहाँ पे ये होगा कि आपका वेस्ट बहुत कम निकलेगा, लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होगा ड्यू टू यू नो चोरी सपोज हो गया या पिल्फरेज हो गया, स्पॉइल हो गया आपका रॉ मटेरियल। तो ज्यादा सामान आप रखोगे नहीं अपने पास तो ये सारी यू नो खराब होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे, राइट। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप जब मटेरियल कंट्रोल करते हो तो आप एलिमिनेट करते हो किसी भी तरह के रिस्क को, चाहे वो वेस्टेज के कारण हो या फिर लॉस ऑफ मटेरियल के कारण हो, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ एडवांटेज। फिफ्थ एडवांटेज इज इट इमेंसली हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी कंट्रोल बाय विच द एक्यूरेट एसर्टेनमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर फैसिलिटेटेड, है ना। तो ये एक तरीके से हेल्पफुल होता है एक इंट्रोड्यूशन, एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में जिसे परपेचुअल इन्वेंटरी कहते हैं, मतलब जो कि कंटीन्यूअस सक्सेशन में चलता रहता है, जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है आपका सामान पहुंच जाता है ऑटोमेटिक। जैसे कि सपोज मेरे पास मेरे गोडाउन से ये सामान निकला तो गोडाउन सपोज डिजिटाइज है तो मुझे बता दिया कि यहाँ पे जो इतनी की आवश्यकता है, तो वो तुरंत मैसेज चला जाएगा आपका जो प्रोवाइडर है रॉ मटेरियल का उसके पास, वो सामान को आपके सिस्टम में भेज देगा, आपके पास भेज देगा,
राइट right. तो परपेचुअल इन्वेंटरी मतलब सक्सेशन में चीजें जो है हो रही हैं, और यहाँ पे एक सिस्टम आप क्रिएट कर ले रहे हो इसके हेल्प के जरिए, मटेरियल कंट्रोल के जरिए, जहाँ पे आप एक्यूरेट एसर्टेनमेंट और वैल्यूएशन कर पा रहे हो अपने क्लोजिंग स्टॉक का, जो कि आगे जाकर के आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ एडवांटेज. नाउ द सिक्स्थ इज इट इंश्योर्स द परचेज ऑफ मटेरियल एट रीजनेबल प्राइस. तो मटेरियल कंट्रोल करोगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि मटेरियल का प्राइस कितना है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है. तो एक तरीके से आपके पास सारी जानकारी रहेगी रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द मटेरियल, है ना. तो एक तरीके से आप यहाँ पे जो परचेज कर रहे हो मटेरियल का, वो आपका परचेज जो है एक रीजनेबल प्राइस पे हो पाएगा, एक अच्छे प्राइस पे हो पाएगा. ठीक है ना. सेवेंथ नंबर पॉइंट इज इट एड्स मैनेजमेंट इन इनिशिएटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग प्रॉपर परचेज पॉलिसीज रिगार्डिंग मटेरियल्स, है ना. तो एक तरीके से मैनेजमेंट की हेल्प करता है कि वो जो है प्रॉपर यू नो जो परचेजिंग पॉलिसीज हैं कि कब हमें परचेज करनी है, कितनी मात्रा में हमें परचेज करनी है. आप जो मटेरियल करते कंट्रोल करते हो तो आपको सारी जानकारी आपको होती है ना, कि 10 दिनों में कितना मटेरियल चाहिए, कितने टन मटेरियल चाहिए, अगले भी 10 दिनों में फिर कितना मटेरियल चाहिए, किस फेज में ज्यादा जो है डिमांड होती है आपके प्रोडक्ट की, तो उस टाइम पे मटेरियल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है. तो आपकी कंपनी जो है, जो मैनेजमेंट जो है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक अपनी पॉलिसी तैयार करेगी परचेज की, कि इस टाइम पे हम इतने इतने सामान जो है परचेज करेंगे. तो ये भी बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए. ठीक है ना. सो दीज आर द सेवन एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में. तो बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें. आई होप कि आपने देखा भी होगा, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें, उनकी भी तैयारी ठीक तरीके से हो सके. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अपना ख्याल कीजिए. बाय बाय. थैंक यू.